में कलाकारों की बहुत पॉट है और मैंने ये कोशिश की है कि इन बच्चों का, इन लोगों का, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा देव जी का कि ये मेरे से, इनसे मेरी मुलाकात हुई और थोड़ी सी पिक्चर के बारे में जानकारी हुई और इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे से ये पिक्चर बन रही है, ये हम बना रहे हैं, और मुझसे भी थोड़े से सहयोग की कोशिश की। तो मैंने कोशिश की कि देव जी को, और ये इतना परिवार मेरा खड़ा है, ये सब मेरा परिवार है, ये यूपी के बच्चे हैं, यूपी के लोग हैं, मैं भी यूपी का हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ और मैं आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप सब लोग कम से कम मेरी पिक्चर को देखने की कोशिश करें। सर आप बताइए इससे कैसे जुड़े हैं आप? और सभी लोग जो हैं हम लोग एक साथ से इकट्ठे होते हैं, बाद में जो सिस्टम है वो सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। थैंक्स टू ऑल मीडिया बंधु और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आकर इस ट्रेलर को देखा और हमारा हौसला बुलंद किया। मैं तेज यादव, इस फिल्म को हमने लगभग 1.5 से 2 साल में पूरा किया, बड़े धीरे धीरे, और कोशिश की है कि समाज में एक मीडियम फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग होते हैं और उन जिम्मेदारियों के तहत हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि यूपी को हमने बेस बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग कहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से रिलीज कर सकें और आप लोगों का उसमें पूरा पूरा सहयोग। ये मूवी मैंने, जब मैंने मूवी ली थी तो इनके किसी और के थ्रू मिली थी, बट ये मूवी करने से पहले मैंने सोचा था करूँ या ना करूँ, बट करने के बाद बहुत मज़ा आया और इसका सब्जेक्ट भी बहुत ही अच्छा है जो आप लोगों को देखने में पता चलेगा, और इसमें एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी है, सबने बहुत मेहनत की है। आई होप तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, आप लोग अपने पास के थिएटर में जाएँ और देखें और फिर रिस्पॉन्स दे कि क्या। थैंक यू बोलना चाहूँगी देव सर और सर को और अजय सावेड़िया सर को जो हमारी मूवी के राइटर हैं। मैं सोशल मीडिया से इस मूवी से जुड़ी हूँ क्योंकि यहाँ सर काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, देव फिल्म प्रोडक्शन, तो इस थ्रू मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ इस करेक्टर में। मेरा जर्नलिस्ट का रोल है इसमें, गौरी यदुवंशी नाम है मेरा जर्नलिस्ट में। मैं सर के बहन का रोल प्ले कर रही हूँ, वैसे साक्षी आया जानती हूँ। थैंक यू सर। सर मैं पिछले 5 साल से डिफरेंट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, पहले शॉर्ट मूवी की, फिर उसके बाद सर ने बोला कि एक बड़ी मूवी करते हैं बेलगाम, तो सर साथ जुड़ गया। फिर उसके बाद मैंने बेलगाम में एक एसआई का करेक्टर पे लिख लिया। नाम प्रिया किशोर है और इस मूवी में मैं देव सर की वजह से जुड़ी हूँ। पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी देव सर को और हमारी पूरी टीम को, इस फिल्म के लिए उन्होंने मेरे को इस करेक्टर के लिए कहीं ना कहीं एक एलिजिबल समझा, और एक इंजीनियर की वाइफ का इसमें मेरा करेक्टर है एंड वो इतना सस्पेंसफुल है, वो शायद आप मूवी देखेंगे उसके बाद ही आपको, मतलब शायद रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इतना 3 घंटे का वक्त इसमें दिया। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अपने पास के जो भी आपका सिनेमा है उसमें जाके। नमस्ते, हाय टू ऑल, मैं अब्बास अली एक्टर, यू मस्ट हैव सीन मी इन रेस, रेस 1 प्लेयर्स नो एंट्री, ब्रदर्स, मराठी फिल्म भी कर चुका हूँ। देव फिल्म प्रोडक्शन में बेलगाम में देव इज लाइक अ ब्रदर टू मी,
देव ने एक्चुअली मुझे मैं यहाँ मीडिया के सामने बोलना चाहूँगा, देव ने मुझे लास्ट मोमेंट पे याद किया, मैंने याद नहीं किया था. एनीवे आई एम थैंकफुल टू हिम एंड द एंटायर टीम, इज माइंड ब्लोइंग वर्किंग विद देम. मैंने मुरादाबाद में जाने के बाद यू नो आई हैव वर्क, ये जितना डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क, इतना अच्छा इन लोगों ने ये देव प्रोडक्शन में बेलगाम में जो इन लोगों ने सेटअप किए थे और जो मेहनत करे थे, वाकई में काबिल तारीफ है. तो सब बच्चे जितने आप लोगों ने इंटरव्यू दिए, एवरीवन इज मतलब माइंड ब्लोइंग, एवरीवन हैज डन द बेस्ट. तो इसमें मेरा कैरेक्टर एक नेगेटिव है, एज यू हैव सीन, रोशन सिंह का. तो ये मैडम जी का मर्डर मैं ही करता हूँ ये. हाँ, तो ये एक और दो तीन मर्डर्स है फिल्म में, बहुत अच्छे, इतनी टाइट ग्रिप है इसमें, कल आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड आई विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. पहचान रहे होंगे, अगर नहीं पहचान रहे तो मैं बता दूंगा, दो चार जो बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, जो उनमें एक बजरंगी भाईजान है, एक दो धुनी चार है, जिससे थोड़ी सी रिकमेंडेशन प्राप्त हुई है मुझे. और उसके बाद मुझे जब पहली बार देव जी मिले तो मैंने सोचा ऐसे ही लोकल में लोग बनाते हैं फिल्म, तो वैसे ही छोटी मोटी कोई फिल्म होगी. और जब मैं जाकर पहुँचा वहाँ मुरादाबाद, और सबसे अहम बात यह है कि ये खुद एक एक्टर है, इसलिए ये जानते हैं कि एक्टर से कौन सी चीज़ निकालनी है, वन. और सेकंड चीज़, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी किसी को भी पकड़ा और उसको एंट्री करा दी. जितने भी करेक्टर लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कोई SRC से पास आउट है, कोई कहीं से पास आउट है, अच्छे खासे ट्रेंड एक्टर्स भी हैं इस पिक्चर में, तो आपको बहुत अच्छा इसमें देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर के अभिनय. और जो मुझसे इन्होंने रोल कराया है, मैं बड़ी वाली फिल्मों से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ. वो जो उनके पास करोड़ों के एक तो बजट्स होते हैं और बड़े बड़े स्टार कास्ट होती है उसके अंदर, और फिर हमारे लिए जो नॉर्मल एक्टर्स होते हैं उनके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ होती है उसमें, और वो जितनी कराना चाहते हैं उतनी कराते हैं, और जो कराते हैं उसमें भी बहुत कुछ कट भी जाता है उसमें. तो यहाँ इतना सेटिस्फेक्शन ये मिला कि जो एक एक्टर अपनी रेंज दिखाने की कोशिश करता है तो दिखा सकता है, और उसको इन्होंने देव भाई बीइंग एन एक्टर, एक एक्टर खुद ही ऐसा डायरेक्टर है, और वो सामने वाले सबको कोशिश ये करना चाहिए थी उसको कि वो सबको डोमिनेट करके खुद ऊपर निकल जाए, ये उसके हक में थी ये बात. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, ईमानदारी के साथ जो करेक्टर जितना पावरफुल होना चाहिए उसको उतना पावरफुल दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म में. तो ये जो ईमानदारी है ये फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी, एंड विच इज टेकिंग दिस फिल्म टू सम साउंड प्लेस आई थिंक. तो ये छोटे शहर की फिल्म ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी आती हैं और चली जाती हैं, ये उस टाइप की चीज़ नहीं. कुछ ना कुछ आपको इसमें इंजॉय करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और मज़ा भी आएगा शायद, मेरा ऐसा मानना है. बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आगे मुझे ये उम्मीद है आप लोगों के सहयोग से. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू देव भाई टू रिकॉर्ड मी इन दिस फिल्म. और मुझे अपने रोल के लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी विद देव. थैंक यू वेरी मच. लोग जानते हैं मुंबई फिल्में बनती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में फिल्म बने और बड़े पर्दे तक पहुँचे वो बहुत बड़ी बात होती है. टेक्निकल सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है फिल्मों के लिए. तो यहाँ पे ये फिल्म एडिट हुई है सिनेक्रेशन में, और हमने इसको पर्दे तक पहुँचाया इसको. तो सभी लोगों से ये है कि छोटी शहर में भी फिल्में बनती हैं, वो भी बड़े पर्दे तक पहुँच सकती हैं अगर उनको टेक्निकल सपोर्ट्स मिल जाए तो. तो यही है कि अगर टेक्निकल सपोर्ट पूरी मिलती है तो वो बड़े पर्दे पर एक अच्छा बिजनेस कर सकती हैं. तो हमारी कोशिश ये है कि ये फिल्म भी एक अच्छा बिजनेस करें. मैं गलती से इस फिल्म का राइटर, तो क्षमा करें अगर कुछ कहीं गड़बड़ वड़बड़ लगे तो, लेकिन उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी. सबसे पहली चीज़ ये है कि एक थॉट होती है, एक थॉट प्रोसेस था मेरा और देव सर का कि भाई इस सब्जेक्ट पे हम फिल्म बनाएं. और सब्जेक्ट था सिस्टम. एक कॉमन मैन कितना परेशान हो गया है सिस्टम से कि उसे सिस्टम के खिलाफ बेलगाम होना पड़ रहा है, और वो बेलगाम क्यों होता है, कैसे होता है, और बेलगाम होने के बाद वो करता क्या है, ये सारी चीज़ें हैं फिल्म में. ठीक है, फिल्म में गुंडागर्दी है, फिल्म में रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट. कि पुलिस कैसे नाकाम होती है, नेता कैसे भ्रष्ट होते हैं, देश कौन चला रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब फुल मसाला मूवी काइंड ऑफ, राइट. लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इसमें है वो है मैसेज, ठीक है, कि हमारा सिस्टम को अब सुधरना चाहिए. तो थैंक यू.
Belagaam.